बर ट्वेंटी ट्वेंटी दिस इज डेली क्विज सेट नंबर थर्टी ट्वेंटी फाइव एम्सिक्यूज इन थर्टी मिनट फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का पॉलिटी में क्वेश्चन नंबर वन है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और ये रिलेटेड टू द मैटर है ये सारे एक्ट अभी फोपास समाइम काफी ज्यादा न्यूज में थे हंड्रेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हंड्रेड एंड फर्स्ट हंड्रेड एंड सेकेंड हंड्रेड एंड थर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जी एस टी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड दिस इज फॉर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सेक्शन सोसाइटी आपको बताना है ये दोनों मैच कराना है च ऑफ दस गिवन अब इज आर करेक्टली मैचड सो यहां करेक्टली मैचड क्या है सी द राइट आंसर हेयर इज बी टू एंड फोर हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स यस जी एस टी जो है ये वन नॉट वन है देन फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू हंड्रेड एंड थर्ड में आया रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ई डब्ल्यू एस टेन परसेंट So this is true 101st and 103rd. 100th and Jo 102 hai. So land boundary agreement. Land boundary agreement tha this 100. This was land boundary agreement. And 102 Jo hai that is for this OBC National Commission for Backward Classes. So 100th is this land boundary and 102nd is this National Commission for Backward Classes. 101st is for GST and हंड्रेड एंड थर्ड इज फॉर रिजर्वेशन फॉर ईड्लू एस सो राइट ऑप्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो थर्ड शेड्यूल है शेड्यूल क्या होता है ये ऐसे शेड्यूल्स बनाए हैं डिटेल्ड प्रोसेस इन दिस इसमें होता है मेन्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन एफिशियंसी के लिए तो जो थर्ड है शेड्यूल है इसमें क्या है इसमें प्रोविजन है रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड क्लास शेड्यूल्ड एरिया फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफॉर्मेशन होगा अलोकेशन ऑफ सीट्स होगा राज्यसभा में या फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू इमोल्यूमेंट्स अलाउवेंसेस तनख्वाह वगैरह प्रविलेजेस होगा सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा थर्ड शेड्यूल में है थर्ड शेड्यूल में है आंसर इज बी बी मीन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफॉर्मेशन शपथ जो लेना पड़ता है एग्जीक्यूटिव को वो थर्ड शेड्यूल में है थर्ड शेड्यूल में ओथ एंड अफॉर्मेशन ओथ में भी ओथ ऑफ सीक्रेसी कई बार पूछा जाता है तो यू शुड नो ओथ ऑफ सीक्रेसी किस मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव को लेना पड़ता है सो दिस इज बी थर्ड थर्ड इज अबाउट मनी बिल मनी बिल इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल का नाम बताइए मनी बिल किस आर्टिकल में मैंशन है सी विद रेफरेंस टू द मनी बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मनी बिल जो होता है वो इंट्रोड्यूस होगा केवल और केवल लोकसभा में और केवल और केवल बाय अ मिनिस्टर मिनिस्टर मतलब जो सरकार में है एग्जीक्यूटिव है वो ही केवल लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मतलब नॉर्मल जो है प्राइवेट मेंबर बिल वो मनी बिल नहीं होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एन्जॉय करते हैं सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट के पास वीटो होता है तो सस्पेंसिव वीटो में वो रिकन्सिडरेशन के लिए बिल को वापस हाउस में सेंड कर सकते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करते हैं दिस सस्पेंसिव वीटो ओवर द मनी बिल यू हैव टू टेल विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन सी इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय अ मिनिस्टर ओनली दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होता है और राज्यसभा में नहीं होता है दिस मनी बिल सेकेंड रॉन्ग है प्रेसिडेंट के पास अगर मनी बिल आ रहा है तो या तो हाँ बोलना पड़ेगा या फिर विदहोल्ड सस्पेंसिव वीटो वहां पे नहीं होगा सो राइट ऑप्शन इज दिस ए वापस रिकंसिडरेशन के लिए सेंड नहीं हो सकता सो राइट ऑप्शन इज दिस ए वन ओनली दिस इज रॉन्ग नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू एंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल फोर्टी पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आए हमारे नाउ ये जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है पंचायती राज सिस्टम का वो क्या है क्या इंश्योर कराना है पीपल का पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट अब इसका उल्टा सोचते हैं पंचायती राज में मतलब नहीं है पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट इज इट पॉसिबल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन यहां हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पर्पस ये दोनों डिफरेंट वर्ड होते हैं ऑब्जेक्ट यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स के हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं ऑब्जेक्ट सो यहाँ राइट आंसर होगा दैट राइट आंसर वुड बी दिस सी वन एंड थ्री पीपल्स पार्टिसिपेशन यस लोगों का पार्टिसिपेशन करना है डेवलपमेंट में तभी जो ग्राम सभा होता है उसमें एवरी एडल्ट मेंबर बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्राम सभा सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड डी सेंट्रलाइजेशन इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज आर्टिकल फॉर डी ग्रास रूट डेमोक्रेसी बट जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है ऑल दो इसमें इनडायरेक्टली ब्रॉडर वे में डेसीफर हो सकता है बट दिस इज नॉट फिक्सड ऑब्जेक्टिव प्राइमरी ये नहीं है तो वन एंड थ्री इज द ट्रू आंसर ट्रू स्टेटमेंट सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी वन एंड थ्री नाउ दिस इज नंबर फाइव नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश्ड फील्ड के ये मेंबर्स हो सकते हैं तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स राज्यसभा के हैं कैन वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मतलब नॉमिनेशन के बाद ये एक रेगुलर मेंबर हो जाएंगे बाकी सब मेंबर्स की तरफ सीट्स इन द राज्यसभा आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट जैसे यूएसए में पचास स्टेट हैं तो हर स्टेट के पास एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं तो इंडिया में ऐसा नहीं है करेक्ट आंसर आपको बताना है सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स वाई फॉल्स बिकॉज प्रेसिडेंट ने इनको नॉमिनेट किया है और वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही वोट करेंगे तो ये तो फिर गलत हो जाएगा सो दिस इज नॉट प्रेसिडेंट के वोट में इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वीपी में कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब का जब रिमूवल होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट कर सकते हैं मतलब इलेक्शन में नो no, रिमूवल में यस एंड वाइस प्रेसिडेंट में यस इन बोथ केस सीट्स जो राज्यसभा की होती है वो बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होता है बताइए सबसे ज्यादा सीट किस स्टेट में है दिस पॉपुलेशन राज्यसभा सीट्स सो द राइट आंसर यर इज दिस बी टू ऑनली सो ये पॉलिटीदा नाउ लेटस टॉक अबाउट हिस्ट्री मोहिनी यट्टम मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म कहाँ पर है गौडिया नृत्य ये डांस फॉर्म कहाँ का है सतरिया डांस फॉर्म कहाँ का है और दिस पदायनी डांस फॉर्म कहाँ पर है करेक्टली मैच्ड आपको बताना है सी मोहिनीअट्टम इज इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस फॉर्म एंड मोहिनीअट्टम होता है केरला में सो so, कर्नाटका नहीं होगा वन इज गॉन दिस इज गॉन दिस इज गॉन यू गॉट द राइट आंसर गौडिया जो नृत्य है ये होता है बंगाल में सतरिया है असम में एंड देन पदायनी जो है ये केरला में है सो राइट ऑप्शन हियर इज दिस थ्री इज ट्रू फोर इज ट्रू मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट दिस इज बेंगाल एंड दिस इज केरला सो द राइट ऑप्शन इज बी ये कुचिपुड़ी डांस है कुचिपुड़ी डांस कहाँ पे होता है इट इज वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया क्या ये क्लासिकल फॉर्म में होता है इट इज इंडिजिनस टू द स्टेट ऑफ आंध्र ये आंध्रा में है त्रिभंगा इसमें एक बेसिक पॉश्चर होता है इस डांस फॉर्म का सो टेल द राइट आंसर कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी जो होता है यस yes, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है सीसीआरटी वेबसाइट अगेन बहुत अच्छे से ये सारे डांस फॉर्म्स वहाँ पे दिए हुए हैं हैंव अलो इंडीजिनस टू द स्टेट ऑफ आंध्रा एप्सोलूटली ट्रू बट त्रिभंगा यहाँ पे नहीं आता है त्रिभंगा मतलब बॉडी का अपने तीन ऐसे डिवाइड हो जाता है पॉशर में तो त्रिभंगा इज नॉट दिस फॉर कुचिपुड़ी सो द राइट आंसर ईयर इज बी वन एंड टू त्रिभंगा उड़िया उड़िया में होता है ये ओडिशी में त्रिभंगा होता है यहाँ पे नहीं है त्रिभंगा सो द राइट ऑप्शन ईयर इज दिस बी नाउ ये है बुद्धिस्त कैनिकल ट्रिपिटिका त्रिपिटिका मतलब ये ट्रिपल बास्केट है बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रुथ होते हैं और एट उसका पाथ होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए इन नोबल ट्रुथ से दिस बुद्धिज्म के लिए ओल्डेस्ट और स्मॉलेस्ट तीन सेक्शंस हैं बुद्धिस्त कैनोनिकल त्रिपिटिका वन दैट रेगुलेट्स मोनेस्टिक लाइफ एंड डेली अफेयर्स ऑफ मॉन्ग एंड नंस अकॉर्डिंग टू रूल्स एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा मतलब इसमें रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीजें होंगी तो ये कौन सी पिटिका होती है ये तीनों पिटिका इंपॉर्टेंट है यू शुड नो और ये जो चार काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की ये भी इंपॉर्टेंट है देन जो सेक्ट है बुद्धिज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट सो विनय पिटिका अभिधाम सुता एंड ऑल ऑफ द अबव तो रूल्स रेगुलेशन कहाँ पर है रूल्स रेगुलेशन का मतलब क्या होता है आप विनय कर रहे हो विनती कर रहे हो रूल्स रेगुलेशन समथिंग तो दैट हैज टू बी विनय पिटिका सुता सुता इज सिमिलर टू स्टोरी तो यहाँ पे स्टोरीज टीचिंग्स एंड ऑल हो जाएगा अभिधाम जो होगा इसमें फिलोसफिकल एंगल एंड ऑल ये सारी चीजें हो जाएंगी सो राइट आंसर इज दिस ए विनय पिटिका में रेगुलेट मोनेस्टिक लाइफ रूल्स एंड रेगुलेशन सो ए इज द राइट आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो हाई यंग एरिया शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर इंडस वैली सिविलाइजेशन प्री डोमिनेटली एक सेक्यूलर सिविलाइजेशन थी रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट था बट वो डोमिनेट नहीं कर पाता था सीन को इतना रिलीजियस नहीं था सेक्यूलर था नेचर वर्शिप एंड ऑल इस पीरियड में कॉटन वाज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया अभी कपल ऑफ डेज बैक आज या कल में हमने बी कॉटन के बारे में पढ़ा था बीटी कॉटन जो था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड उसमें आर्ग्यूमेंट था कि जो ये कॉटन है ये हम बहुत सिंस टाइम इम मेमोरियल हम आई के टाइम से कॉटन यूज करता आ रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया तो दिस हैज़ टू बी ट्रू दिस ऑल्सो हैज टू बी ट्रू सो द राइट आंसर ईयर इज सी बोथ वन एंड टू डेली न्यूज पढ़ते हैं ना तो उससे क्या होता है हमें स्टडी थोरो होता है हमें रेगुलर स्टडी होता है थर्ड ऑफ अक्टोबर को अगर आपका ये प्रेलिम्स होता है तो यू वुड सी कि हो सकता है आगे बीस दिन में जो आपने पढ़ा है इसमें से कुछ भी नहीं आएगा जो काम आएगा वो हो सकता है फोर मंथ फाइव मंथ सिक्स मंथ या फिर स्कूल में कुछ पढ़ाओ कॉलेज में पढ़ाओ ये चीजें अक्सर वहाँ पर काम आ जाती है टू रिमेंबर दिस थिंग सो दिस इज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन दिस इज सी बोथ वन एंड टू ये जनगण मन है जनगण मन वॉज फर्स्ट संग ऑफिशली एट द ये कब हुआ था जनगण मन टैगोर साहब टैगोर साहब ने इंडिया का भी लिखा है नेशनल एंथम एंड अमर सुनार बांग्ला बांग्लादेश का भी तो गण मन जो है हमने इसका 52 टू सेकेंड्स का वर्जन लिया है गण मन जो है ये फर्स्ट पहले कब संग हुआ था 57 में नो ये तो बहुत पुरानी डेट है इस डेट पे नहीं होगा स्वदेशी मूवमेंट 1905 आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल वंदे दिस वंदे मूव मुझ, भारत मूवमेंट 1911 वंदे मातरम मूवमेंट 1911 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में या फिर 29 में जब हमने बोला पूर्ण स्वराज चाहिए डिक्लेरेशन सेशन एट लाहौर में सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा जनगणमन सबसे पहले 1911 में हुआ था सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऑफिशियली यहाँ पे संग था सो दिस इज जनगणमन इफ यू गेट टाइम इसका पूरा कंप्लीट वर्जन भी आप एक बार देखना दिस इज अगेन रियली नाइस सो दिस इज टेंथ दिस इज सी नाउ लेटेस टॉक अबाउट जोग्राफी जोग्राफी में ट्राइब्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेशली दिस पी वी टी जी इफ़ यू गेट टाइम पी वी टी जी का एक पी डी एफ शेयर किया था टेलीग्राम में उसको एक बार रिवाइज़ करिएगा काफ़ी अच्छे उसमें यहाँ पर पॉइंट्स हैं पी वी टी जीज जो होती हैं लिंबू इरोला कोलम डोंगरिया कौन ये सारी पी वी टी जीज दे आर नॉट ऑल पी वी टी जीज बट ये ट्राइब्स न्यूज़ में हैं काफ़ी लिबू इरोला कोलम डोंगरिया कौन आपको बताना है करेक्टली मैचड क्या है तो सी हमें पता है डोंगरिया कोंड नागालैंड में तो नहीं है ये अक्सर नियामगिरी मतलब ओडिशा के आसपास न्यूज आता है कोलम जैसी चीज़ अरुणाचल में नाम कोलम नो अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा दिस हैज़ टू बी सेंट्रल छत्तीसगढ़ तेलंगाना इधर कहीं एरिया की होगी कोलम एंड डोंगरिया कोड इज दिस कोंड है ये नियामगिरी ओडिशा में है सो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए लिंबू सिक्किम में है इरुला केरला में है दिस टू आर राइट कोलम इज़ इन तेलंगाना एरिया एंड नियामगिरी ओडिशा में है सो राइट ऑप्शन इज दिस ए करेक्टली नाउ लेट टॉक अबाउट मुल्ला डैम डैम ये भी काफी न्यूज में है वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं तो इसका किस आर्टिकल में मेंशन है आर्टिकल नंबर नाउ मुल्ला पेरियार डैम जो है ये लोकेटेड है कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस मुलायार और पेरियार इन दोनों रिवर के कॉन्फ्लुएंस में है ये डिस्प्यूट है कर्नाटका या केरला में पेरियार रिवर ईस्ट फ्लोइंग है आपको बताना है करेक्ट क्या है तो जो पहला स्टेटमेंट है ये एप्सोलूटली ट्रू है ये मुलायार और पेरियार रिवर पे हैरला कर्नाटका कहाँ से आएगा केरला एंड तमिलनाडु होना चाहिए ये पेरिया रिवर ईस्ट है ईस्ट क्या होता है इधर पेरियर तो इस साइड बह रही है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस सी ऑनली वन इज ट्रू दिस इज ट्रू दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग तो दिस इज मुलापेरिया डैम हम्प बैग्ड महाशीर अभी हमने पढ़ा दिस मत्स्य संपदा योजना ओके okay? मत्स्य संपदा योजना इसकी भी एक बार आप रिवाइज करिए मत्स्य मत्स्य संपदा एक्सट्रीमली रेलिवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है हम्प बैग्ड महाशीर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड फिश है ये यूजुअली किस बेसिन में मिलती है गोदावरी कृष्णा कावेरी या फिर नर्मदा हम्प बैग्ड महाशीर द राइट आंसर यर इज सी कावेरी रिवर के बेसिन पे ये मिलती है हम्प बैग्ड महाशीर नाउ ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है अक्सर न्यूज आ रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये जितने भी एस डी जी हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक तो होते हैं ये जो इंटरनेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ऐसे ही एक होता है एस डी जी ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ इंडिया इंडेक्स ये इंडेक्स ज रिलीज बाय नीति आयोग एम ओ ई एफ सी सी एंड वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर निकाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस निकाल रहा है या फिर ओ आर एफ जो है ऑब्जर्वर रिसर्च एंड वर्ल्ड बैंक इन दोनों ने मिलकर निकाला है नीति का मतलब होता है दिस पॉलिसी मेकिंग अगर आपको गैस भी करना है ना नीति का चांसेस ज्यादा होता है ऐसे इंडेक्स वाली चीजों में यूजली नीति का काम ही है प्लानिंग करना पॉलिसी करना और ये सारी चीजें बनाना सो दिस इज एस जो है दैट इज दिस ए नीति आयोग नौ अभी एक वाटरवे बिल आया था तो नेशनल वाटरवेज काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ गए थे अपार्ट फ्रॉम रिवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट टू कॉम्पराइज इनलैंड वाटर वे इनलैंड वाटर वे इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ये चीपर होता है और इजिली इसको हम स्केल अप भी कर सकते हैं यूटिलाइज कर सकते हैं बट चैलेंजेस ये होते हैं कि ये पॉलिटिंग हो सकता है जैसे अभी शिप में पानी आग लग गया था तो अपार्ट फ्रॉम रिवर और किसको हम इनलैंड वाटरवे वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेक्स कैनाल्स क्रीक्स, बैक वाटर बैक वाटर क्रीक्स कैनाल्स लेक्स ये सारे के सारे आप इंक्लूड कर सकते हो इनलैंड वाटरवे वे में वाटरवे वे बिल दिस के नए अपडेट्स के अकॉर्डिंग सो द राइट आंसर इज दिस टी नाउ लेटस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में एक तो होता है एक तो हमने पॉपुलेशन का जिस सेंसस देखा था दस साल बाद हो रहा था 1872 से देन 1881 से रेगुलर हुआ इकोनॉमिक सेंसस भी एक चीज़ होती है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इकोनॉमी कैरिड आउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा इट इज कंडक्टेड वंस इन एवरी टेन ईयर जैसे पॉपुलेशन का होता है ऐसे इकोनॉमिक सेंसस भी होगा आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो सी इकोनॉमिक सेंसस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे हाईलाइट करता है बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता इकोनॉमिक का डेटा यहाँ पे लेते हैं तो जो डेटा लेते हैं तो ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ दिस मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूजली फाइव ईयर्स में होता है सतहत्तर से स्टार्ट हुआ अभी सेवंथ है ये दो हजार बीस है सेवेंथ का टू थाउजेंड ट्वेंटी में अभी रिपोर्ट आ रहा था अप्रैल समथिंग में तो ये इकोनॉमिक सेंसस होता है दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग राइट ऑप्शन इज दिस डी करेक्ट पूछा है यहाँ पे सो डी नीदर वन नॉट टू दिस इज रॉन्ग दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नो लेट इस टॉक अबाउट सेवेंटीन एक होते हैं प्राइमरी मार्केट एक होते हैं सेकेंडरी मार्केट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट होता है वेर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आ ब्रॉड एंड सोल्ड मतलब दिस चेंज हो रहा है बेचना और खरीदना ये सब हो रहा है प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट बिकॉज यहाँ पे इक्विटी स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजें हो रही है आपको बताना है करेक्ट क्या है इनमें से नौ सी प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे पहले आएगा सेकेंडरी मतलब उसके बाद आता है तो प्राइमरी मार्केट जो होता है ना वहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है जैसे आई एंड ऑल तो प्राइमरी मार्केट एग्जिस्टिंग नहीं होती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी यहाँ पे ब्रॉड एंड ट्रेड नहीं होता है एग्जिस्टिंग का तो दिस इज रॉन्ग ये जो प्राइमरी मार्केट है ये स्टॉक मार्केट नहीं होता है जो सेकेंडरी होता है वहां पे ट्रेड होता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का तो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी इज नोन एज द स्टॉक मार्केट एंड प्राइमरी में एग्जिस्टिंग नहीं न्यू वन सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस डी दोनों गलत है डी नीदर वन नॉर टू नाउ दिस इज नंबर एटीन आज न्यूज में हमने पढ़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में डेफिसिट फाइनेंस करना अब क्यों जरूरी हो रहा है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है आमदनी खर्चे में जो गैप हुआ उसको आप लोन वोन लेके कर आर से उसको फाइनेंस कर दो डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिंग और जो डेफिसिट है उसको आप मोनिटाइज भी कर सकते हैं ये जो चीज़ें होती है ये नेगेटिव भी होती है बिकॉज इनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं रिपरकशंस होता है तो यूजुअली ये अवॉइड किया जाता है बट गवर्नमेंट इसको फिर भी करती है आइडियली नहीं करना चाहिए बट फिर भी गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है इट रेज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी डेफिसिट फाइनेंसिंग से डिमांड इंक्रीज हो जाती है ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी जब जहाँ यहाँ पे ज्यादा लोगों के पास पैसे आएंगे डिमांड बढ़ेगी इट मे मे लिखा है रिजल्ट इन इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी. यस ये सबसे रिस्की चीज होता है कि इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के टेंडेंसी आती है इट इज़ यूज एज अ डेवलपमेंटल टूल बाय डेवलपिंग कंट्री येस दैट इज़ वाई आप देखना जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं ज़्यादातर डेफिसिट फाइनेंसिंग करती हैं इट इज डन बाई इशूइंग गवर्नमेंट बॉन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है और जो डेफिसिट है उसको मॉनिटाइज भी किया जा सकता है उसके और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसिस होंगे तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा दिस इज ट्रू इन्फ्लेशन डेवलपमेंट टूल एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स दीज ऑल आर ट्रू दिस इज नंबर नाइनटीन आरबीआई कौन सी रिपोर्ट लाएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फिजिकल मॉनिटर मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन फॉरन एक्सचेंज रिजर्व फॉरन एक्सचेंज आर बी आई लाता है क्या रिपोर्ट ऑन फॉर एक्सचेंज रिजर्व मॉनिटरी पॉलिसी रिपोर्ट फिजिकल मॉनिटर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सो यू हैव टू टेल विच इज द करेक्ट ऑप्शन अब क्वेश्चन में क्या लिखा था नॉट पब्लिश बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनमें से नॉट पब्लिश किया है आर बी आई सो नॉट पब्लिश दिस बी फिजकल मॉनिटर रिपोर्ट ये होती है आई एम एफ के द्वारा सो दिस इज रॉन्ग दिस इज ट्रू आर बी आई आर बी आई आर बी आई आई एम एफ सो बी इज द राइट आंसर अभी न्यूज में एक और चीज चल रहा है वो है थोड़ा ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी पढ़ लिया है दिस हमने सब्सिडी का भी पढ़ा था एंटी डंपिंग भी पढ़ा था एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसी चीज़ें भी आ रही है सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन जो ट्रेड्स होते हैं उसमें तो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज यूज इन ग्रांटिंग इन वीजाज टू इंडिविजुअल वीजा के लिए होता है ये प्रोटेक्शन आईपीआर के लिए होता है ट्रेड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अक्रॉस द कंट्री आईपीआर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक टर्म यूज होता है सो आई हैव प्रोबेबली आंसर द क्वेश्चन दिस इज सी इंटरनेशनल ट्रेड में होता है कंट्रीज को पता होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट आया है ये किस जगह पे ओरिजिन हुआ है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जैसे ये एक काइंड ऑफ बैरियर भी इसे एट टाइम्स बोला जाता है सो दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सी नो लेटेस टॉक अबाउट करेंट अफेयर फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स बेरीबेरी ग्वाइटर एनेमिया स्कर्वी आपको बताना है डेफिशियसी से कौन सी डिसीज होती है बेरीबेरी वाइटामिन सी होता है बिल्कुल नहीं ग्वाइटर आयोडीन यस इसके एड आते हैं ना आयोडाइज सॉल्ट लेना चाहिए अदरवाइज ग्वाइटर हो जाता है दिस इज ट्रू एनेमिया बीवन से होता है नो स्कर्वी आयरन से होता है एब्सोलुटली नो स्कर्वी इज बाय दिस वाइटामिन सी बेरी बेरी हो सकता है वाइटामिन बी वन ग्विटर आयोडिन है और एनीमिया हो सकता है आयरन से सो द राइट ऑप्शन हियर इज राइट ऑप्शन क्या होगा दिस बी टू ओनली नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कोरोना वायरस है ये वायरस से होता है कुछ डिसीजेज होती है प्रोटोजोआ से होती है कुछ होती है बैक्टीरिया से होती है सम डिसीजेस आर कॉज बाय दिस फंगस फंगल डिसीजेज होती है आपको बताना है बैक्टीरिया से कौन सी डिसीजे होती है दिस इज बैक्टीरिया कॉलेरा मीजल्स चिकन पॉक्स नाउ वी नो दैट चिकन पॉक्स और जो मीजल्स है इनके वायरस होते हैं मीजल्स वायरस होते हैं चिकन पॉक्स वायरस होते हैं सो दीज आर वायरस कॉलेरा जो होता है वो हम बोलते हैं ये बैक्टीरियल है गंदगी है बैक्टीरियल ग्रोथ हो गया खाना है खाना कंटेमिनेटेड है कॉलेरा ट्यूबर क्यूलॉसिस ये सारी चीज़ें होती है बैक्टीरिया के कारण सो कॉलेरा एंड ट्यूबर क्यूलॉसिस इज द राइट आंसर वन एंड टू द राइट आंसर इज दिस ए वन एंड टू नाउ ये ट्वेंटी थर्ड है आपको बताना है इंडिया में अभी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आई आर एन एस एस था ऐसे काफी कंट्रीज के पास खुद के नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं हो किसी फॉरेन कंट्री पे चाइना क्यू जेड एस एस जापान का बिडोई रशिया में ग्लोनास है एंड यूरोपियन यूनियन का गैलेलियो है करेक्टली मैच बताना है आपको तो सी बिडोई हमें पता है इट्स नॉट चाइना इट्स इट्स नॉट जापान इट इज चाइना सो दिस इज हियर दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग सो थ्री एंड फोर इज द राइट ऑप्शन दिस इज बी रशिया में ग्लोनास होता है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है चाइना का दिस बी है बिडोई और जापान का है दिस क्यू जेड एस एस सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस बी थ्री एंड फोर ये नंबर ट्वेंटी फोर है हैंड इन हैंड ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है रशिया के साथ चाइना पाकिस्तान चाइना चाइना एंड रशिया इंडिया एंड रशिया पाकिस्तान चाइना रशिया चाइना एंड इंडिया एंड चाइना एंड रशिया टेल दिस हैंड इन हैंड तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है विद दिस सी इंडिया एंड चाइना जैसे पहले हिंदी चीनी भाई भाई था हैंड इन हैंड भी है तो ये सब चीज़ें चाइना के साथ है दिस इज सी चाइना एंड इंडिया इंडिया एंड चाइना नव नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव दिस इज अबाउट सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन एंड ये है बिम्स्टेक बे ऑफ बेंगाल दिस मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी दिस बिम्स्टेक यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जो दोनों में हैं म्यांमार इंडिया मालदीव श्रीलंका इंडिया तो होगा ही होगा सो इंडिया सब जगह है मालदीव्स म्यांमार एंड श्रीलंका श्रीलंका सो द राइट ऑप्शन हेयर इज दिस बी टू एंड फोर टू एंड फोर इंडिया एंड श्रीलंका म्यांमार एंड मालदीव नहीं है राइट ऑप्शन इज यर बी नाउ लुक एट दिस मैप ये सार्क नेशनज है सार्क नेशन यू शुड नो अफगानिस्तान है पाकिस्तान है ये नेपाल है सार्क का यहाँ हेड क्वार्टर है फिर ये भूटान आता है ये बांग्लादेश आता है देन ये श्रीलंका है एसोसिएशन फाउंडेड हुआ था दिसंबर एट नाइनटीन एटी फाइव में कहाँ पे ढाका में एंड देन ये मालदीव्स है तो कंट्रीज कौन कौन सी हुई अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल मालदीव पाकिस्तान एंड श्रीलंका ये सार्क हो गया नाउ दिस इज बिम्स्टैक ये बिम्स्टैक है बे ऑफ बंगाल वाली है तो बे ऑफ बंगाल में श्रीलंका है इंडिया है बांग्लादेश है म्यांमार है एंड थाईलैंड भी है एंड नेपाल एंड भूटान को भी हमने इंक्लूड कर रखा है तो दिस इज बिम्स्टैक ओके बिम्स्टैक बे ऑफ बंगाल दिस सो कॉमन क्या क्या हुए इंडिया नेपाल श्रीलंका भूटान एंड बांग्लादेश ये कॉमन है थाईलैंड एंड म्यांमार एक्सक्लूसिव बिमस्टैक है सार्क में पाकिस्तान मालदीव एंड अफगानिस्तान एक्सक्लूसिव है दीज वन टू थ्री फोर फाइव आर कॉमन इन सार्क एंड बिम्स्टैक बिम्स्टैक इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सो टूडे वी टॉकड अबाउट दिस ट्वेंटी फिफ्थ सार्क एंड बिम्स्टैक हैंड इन हैंड विद चाइना दिस इज नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम बैक्टीरियल डिसीजेस फंगल डिसीजेस कोरोना वायरस की और कौन सी डिसीजेज होती हैं दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ये है वाइटामिन एंड उनकी डेफिशेंसी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन टर्म अभी हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स एंड दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड जो मोनिटाइज करना डेफिसिट को ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक सेंसस सेंसस जैसे पॉपुलेशन होता है वैसे इकोनॉमिक सेंसस भी है इनलैंड वाटरवे में ये चारों हो सकते हैं दिस इनलैंड वाटरवेज के पार्ट एस डी जी इंडिया बाय नीति आयोग हम्प बैक्ड महाशीर है कावेरी रिवर में मुलापेरियार डैम है तमिलनाडु एंड केरला दीज आर ट्राइब्स दीज आर ट्राइब्स देन जनगणनमन फर्स्ट हुआ था 1911 में इंडस वैली सिविलाइजेशन है दिस इज अबाउट थ्री पिटिका दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट विनय अभिधाम एंड सुता पिटिका ये कुचिपुड़ी डांस है क्लासिकल एंड दिस इज अबाउट डांस फॉर्म्स एंड स्टेट Nominated member and this Rajya Sabha ki seats Panchayati Raj system objective money bill ke features schedule. Sare schedules important, you should know. This third schedule. Hai. Then, this is about these recent acts 100, 101, 2, and this 3. So, this is 11th of September. 25 MCQs in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.